उसको शेयर कर दो पूरा। अच्छा कर करूं? दीजिए। खाना खा लिया आपने? आपका तो यस लंच कर लिया? मैम, यस मैम कर लिया। ठीक ठीक है। अब उस लेसन को शेयर कर दीजिएगा, जो लेसन रह गया उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, पिछली सदी के नीचे पढ़ो बेटा। ये पिछली नदी के पिछली सदी के एक महत्वपूर्ण चिंतक, यहां से पढ़िए। पिछले सदी के एक महत्वपूर्ण चिंतक शुमाकर ने कहा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यानी छोटा है यानी वही सुंदर जो है। छोटा है वह सुंदर है। सद्य शिव सत्य सुंदर, सत्य शिव सुंदर बोलो। सद्य सुंदर, सत्य सत्य शिव सत्य माने, सुंदर, सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रुथ। और शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, जिससे कुछ अच्छी आप सोच कर सकते हैं, कुछ कल्याण हो सके, भलाई का काम हो सके। और सुंदर यानी जो ब्यूटीफुल है। ये अब ये तीन शब्द माने जाते हैं। ये एक पिक्चर भी आई थी, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना? सत्य शिव और सुंदर। अब ये सब यस केवल वर्ड्स ही रह गए हैं, यानी आज इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई इन शब्दों की। ओके हम इन शब्दों के को जिएंगे कब? अब ये शब्दों की वैल्यू कम हो गई है, तो लेखक कहता है कि हम इन शब्दों के बारे में कब सोचेंगे, कब जिएंगे का मतलब है, कब इनको लाइवली बनाएंगे, कब मैम, हमें यह चीज चुभेगी, खलेगी, कि चिड़िया हमारे आंगन में चहकती फुदकती क्यों नहीं है। यस हमारे दिमाग में ये बात ही रहती कि अब चिड़िया क्यों नहीं आती हमारे आंगन में, चहकती और फुदकती क्यों नहीं है, क्यों नहीं उड़ती है, तितली सर, दर्शन क्यों नहीं देती है, तितली हमें तितली हमको दिखाई नहीं देती है। तो ये बातें हम कब सोचेंगे इस बारे में, चिड़िया और बटरफ्लाई वगैरह के बारे में कब हम सोच विचार करेंगे, लेखक का ये कहना है। आगे ओके बोलिए। मैम, यस मैम। मात्र शब्द बनकर रह गए हैं हम हमारे लिए, हम इन शब्दों को जिएंगे कब? यस कब हमें यह चीज चुभेगी फलेगी कि चिड़िया हमारे आंगन में चहकती उदकती कली उदकती बोलो। फुदकती क्यों नहीं, तितली हमें दर्शन क्यों नहीं देती? अभी मैंने आपको समझाया ना इसके बारे में। यस अब मैम, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। यस मैम। पिछले सदी, नहीं नो नहीं मैम सॉरी, क्या सदी हम, पढ़ो, नो क्या मैम, ये सदी? वाला तो हो गया। हाँ नेक्स्ट वाला पढ़ो। यस क्या सदी तो यह है क्या? हमारे हमारे त्रासदी तो यह है कि अब हमें कोयल की कोयल की कूक कोक, भी अच्छी नहीं लगती। कोयल की आवाज को क्या बोलते हैं? कूकना। भी अच्छी नहीं लगती। वो भी अगर कोयल अच्छी की तो आवाज अच्छी लगती है, नहीं, अच्छी तो लगती है लेकिन बहुत कम कोयल आती है ना, तो रेयरली आवाज करती है, तो इसलिए अब हमें यस वो सब भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब हमें आदत ही नहीं है। चिड़िया के चहकने की आवाज नहीं सुनने को आती है, तो अब हमें कोयल की आवाज भी अच्छी नहीं लगती है। त्रासदी माने दुख की बात है। आगे बोलो। हमारी
अरे हमारी त्रासदी मतलब असा अस अच्छा, अरसा हो माने गया उस घटना बहुत को समय पर। हो गया, अरसा माने बहुत लंबा समय हो गया कि उस घटना को हो गया, उस घटना को पर आज भी वह याद है मुझे। यस मैम। बहुत लंबा समय हो गया है कि हम कोयल की आवाज सुनते थे, लेकिन लेखक कहते मुझे आज भी याद है। यस शहर मैम। की एक ऊंची इमारतों वाली कॉलोनी के ऊंचे लोगों ने एक कोयल पर पानी डाल डालकर उसे अपने यहां से भगा दिया। बताओ, लोगों ने यस मैम। पानी डालकर उसको भगा दिया, उड़ा दिया वहां से। यस उसका मैम। कसूर यह था कि वह पौ फटने से पहले ही गाना शुरू कर देती। पौ फटना मतलब सुबह होना, सुबह यस मैम। होने से पहले ही वो गाना शुरू कर देती थी, तो मतलब लोगों को डिस्टरबेंस होता था, यस मैम। नींद खराब होती थी। कौन उसकी कुहू कुहू से कॉलोनी के बड़े लोगों की नींद खराब हो गई थी। ठीक है, तो वो कुहू कुहू की आवाज करते थे, लोगों को डिस्टरबेंस होता, तो उन्होंने सोचा कि इसको तो यहाँ से भगा ही दो। तो लोगों को वो भी नहीं अच्छा लगता था, और उसको पानी डाल यस पर मैम। भगा दिया, डरा दिया बेचारी के ऊपर पानी डालते। यस मैम। पानी से तो ठंड लगती है, पक्षी को भी ठंड लगती है, जैसे इंसान को ठंड लगती है ऐसे ही पक्षी। पक्षी भी ह्यूमंस नो, पक्षी भी तो, पक्षी की भी तो फीलिंग्स होती है। बींग्स होती है, लिविंग बींग्स होते हैं वो भी, यस इसलिए। आगे बढ़िए, मैम। आगे का पैराग्राफ होगा, देखिए लास्ट पैराग्राफ है। शहर की एक ऊंचा इमारतों शहर की एक ऊंची शहर इमारतों वाली कॉलोनी की किसी एक ऊंची इमारती इमारतों इमारतों वाली, इमारत मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग इमारतों वाली कॉलोनी कॉलोनी, ऊंचे लोगों, ऊंचे के लोग ऊंचे मतलब कौन लोगों होते को, हैं? ऊंचे लोग कौन होते हैं? मैम जो ऊंचे होते हैं, ऊंचे नहीं, लंबाई में ऊंचे नहीं है, अमीर जो मैम अमीर होते हैं, जो मैम अमीर होते होते हैं, हैं। जो लोग रिच होते हैं, धनी होते हैं। आगे यस बोलिए। ऊंचे ऊंचे लोग लोगों ने एक कोयल पर कोयल पानी डाल डाल कर उसे अपने यहां से भगा दिया था। उसका कसूर यह था कि वह पो से पटेल पहले पटेने से पहले पहले ही गाना शुरू शुरू कर कर देते देती थी। थी। उनकी हाँ, कुहू कुहू से कॉलोनी के बड़े लोगों पौ की नींद खराब हो गई थी। फटना मतलब सुबह होने से पहले ही, सूरज निकलने से पहले ही कुकू की आवाज करती थी, तो लोगों की नींद खराब होती थी, इसलिए पानी डाल डालकर उसको भगा दिया। आपने यस मैम। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, यस मैम। ओके आगे का नेक्स्ट पैरा पढ़िए, मैम। आगे स्क्रॉल कर दो इसको। यस मैम। ऐसी हालत में कोई चिड़िया हमारे आंगन में क्यों छायके? वो चिड़ियों ने भी आना बंद कर दिया, जब कोयल को भगा दिया तो चिड़िया भी नहीं आई वहां पर। क्यों कोई तितली हमारे जीवन में रंग भरे? रंग बिरंगी तितलियों ने भी आना बंद कर दिया, डर की वजह यस से, क्योंकि उन्हें ये लगा कि यहाँ के लोग सब निकाल के भगा देते हैं। ये पक्षी मैम। भी सब बातें जानते हैं। आगे हम कब समझेंगे कि कोयल की कुकू सिर्फ ऐसे हालात चहकती में कोई चिड़िया हमारे आंगन में क्यों चहके, क्यों कोई तितली हमारे जीवन में रंग भरे? यस आखिर हम कब समझेंगे कि कोयल की कुहू कुहू सिर्फ मीठी आवाज नहीं होती, तितली के रंग बिरंगे पंख सिर्फ सुंदर नहीं होते, यह आवाज, यह तो सौंदर्य फूल के फूल खुलने, सौंदर्य फूल के खुलने जैसे, खिलने जैसा है, जैसे, रहस्य रहस्य जैसे है।
अब हम इस रहस्य को भी नहीं जानना चाहते। हम भूल गए हैं कि रहस्य को समझने की। समझने की इसी प्रक्रिया ने हमें पशु से ये मनुष्य तक मनुष्य तक पहुंचे। पहुंचाया है। आखिर हम पीछे क्यों लौटना चाहते हैं? मतलब ये जो प्रोसेस हुआ है ना, पहले मनुष्य जो था एक पशु के रूप में था। तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आता रहता है। पहले बंदर, बंदर से क्या बना बताते हैं, बंदर को भी मनुष्य का ही रूप बताते हैं, और बंदर से ही प्रोसेस होते होते मनुष्य बन गया। बंदर के क्या होती है, पूंछ होती है, मनुष्य के पूंछ नहीं होती है। और बंदर से ज्यादा मनुष्य का दिमाग होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है। तो लेखक कहते हैं कि मनुष्य जो था पहले पशु था, बाद में क्या बन गया, इंसान बन गया, वो मनुष्य बन गया। तो अभी हमें क्या पीछे की ओर लौटना है, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो हमें इन पक्षियों को मारना नहीं चाहिए, कहने का मतलब इसमें यही है। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्वेश्चन के वगैरह देखिए, निकालिए क्वेश्चन, निकालिए एक्सरसाइज, निकालिए, ठीक निकाल लो। हाँ, शुरू से पढ़िए, कठिन शब्द भी दिए हैं वो भी पढ़िए। ये पढ़िए पहले इनको शब्दों को। तुम्हारा डिक्टेशन आता है क्या? नहीं आता, लेकिन इन शब्दों को फिर भी पढ़ो एक बार, थोड़ा सा पढ़िए। बशीविद उजाकर झुरमुट सीमेंट कंक्रीट व्यवस्था सीमेंट सीमेंट कंक्रीट, हाँ, कंक्रीट व्यवस्था व्यवस्था माने निर्माण मंजूरी, मजबूरी, सौंदर्य माने सुंदरता। सुंदरता। अभान तथा आप दो कुन शब्द छोड़ दिए, प्रमाण, संकुचित प्रमाण शब्द दो छोड़ दिए आपने, प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है सर्टिफिकेट। दो में बोला तो है। प्रमाण हाँ, उष्मा, उष्मा अभागिन तथा अभागिन कठिन तथा संकुचित कथित, संकुचित, हिरेशिमा हिरोशिमा हिरोशिमा, ये जापान के एक शहर का नाम है। अच्छा, विश्व युद्ध, विभीषिका, विश्व का रेडियोधर्मिता, दुष्परिणाम, आकांक्षा, सांस्कृतिक निष्प्राण, त्रासदी। चलिए, अब प्रकाशित क्वेश्चन बताइए। मौखिक, अखबार में छपी खबर किस बारे में थी, बताओ। अखबार अखबार में अखबार, छपी खबर किस बारे में थी? मैम अखबार में छपी खबर चिड़िया के बारे में थी। चिड़िया के बारे में थी। ठीक है, दूसरा बोलिए। हमारी शहरी सभ्यता ने किन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया? हमारी शहरी सभ्यता ने किन मैम जोर से बोलो, पक्षियों को किन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया? क्या मैम पक्षियों को हुआ, फूला? मैम हमारी शहरी सभ्यता नहीं, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण परिस्थितियों का निर्माण करती जा रही है कौन सी जिसमें परिस्थितियां हुई ये तो हाँ। घर में चार गमले रखकर जंगल जंगल का सुख भोजन का भ्रम हमें पालना पड़ता है और घर में दो बाई 2 फुट का समुंदर बना सातों समुंदरों की रंग बिरंगी मौखिक, मछलियों सुनो,
ये मौखिक प्रश्न है, इसको छोटे उसमें बताइए, आप इतना बड़ा नहीं बोलेंगे। अच्छा, मौखिक वाले प्रश्नों को आप थोड़े छोटे रूप में बोलेंगे। हम उन परिस्थितियों को समाप्त करने जा रहे हैं जिसमें हम बड़े जीवों को, नन्हे जीवों को पाल सकें। कौन सी परिस्थितियों? नहीं, देखो इसमें आपके क्या हमने बस दो ही लिखवाए मौखिक के? मौखिक के दो लिखा है ना? यस मैम, बाकी सारे लिखित के करवाए हैं। हाँ, तो इसको दूसरा तो करो आप कम से कम। ओके मैम। जपाल जाकर लेखक ने क्या महसूस महसूस किया, किया? वह जपाल जाके लेखक रही है महसूस किया कि बॉम्ब फटने पे पक्षियों का कितना नुकसान हो गया, सब लोग मर गए, सारे पेड़ जल गए, सिर्फ कौवे ही बचे। ठीक है। लेखक ने त्रासदी किसे कहा है? त्रासदी मतलब दुख की बात, क्या मैम, क्या कहा है? हाँ, लेखक ने कोयल त्रासदी को कहा है, त्रासदी कोयल कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, पक्षियों के बारे में कहा है, कोयल ये बड़े दुख की बात है ना। हाँ, की। मैम त्रासदी कोयल की का मतलब दुख की बात है। क्या दुख की बात है कि अब हमें कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती है। बस इतना ही बताना है, मौखिक है ना, इतना ही बताना है। अब लिखित में बताइए, मनुष्य के पत्थर होते जाने का क्या अर्थ है? मनुष्य पत्थर होता जा रहा है। मनुष्य का पत्थर होने में ये मतलब होता है कि लोगों के अब दिल में पत्थर होते हैं कि वो चिड़िया को कैसे मारते हैं, कैसे जलाते हैं, कैसे खाते हैं, और मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करते, केयर नहीं करते चिड़िया की। उनके प्रति इनकी कोई भावना ही नहीं रह यस गई, मैम, यस मैम, सेंटिमेंट्स नहीं रह गए, भावना नहीं रह गई है। उनके यस मैम। क्या दुष्प्रभाव होते हैं बताओ? मैम युद्ध के क्या दुष्प्रभाव यानी क्या बुरा इफेक्ट होता है बताइए। कहीं पर मैम युद्ध, युद्ध मैम युद्ध मतलब युद्ध लड़ाई, मैम युद्ध के मैम युद्ध में ये दुख होते कि इतना सारा खून बहते हैं। यस हाँ, मनुष्यों का जान माल की मैम, नुकसान होता है, पशु यस मैम, पक्षियों नुकसान का नुकसान होता है, होते पेड़ हैं, पौधों का नुकसान होता होता है, है। और जितना भी मनुष्य ने विकास किया था वो सब नष्ट हो जाता है। नन्ही चिड़िया तो इतनी कम क्यों हो रही है? यस मैम, मैम नन्ही चिड़िया और तितलियां क्यों कम हो रही हैं? क्योंकि आजकल आजकल छोटे यस घर बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, उनमें मनुष्य के मैम, रहने की जगह तो है नहीं, और यस आने मैम, का रास्ता भी बहुत मुश्किल से उनको मिल पाता है। इसलिए चिड़िया और तितलियां अब वापस कम आ रही हैं घरों में। पहले घर बड़े होते थे, आंगन होते थे, उसमें चिड़िया भी आती थी और तितलियां भी आती थी, लेकिन आजकल फ्लैट संस्कृति हो गई ना, हर जगह फ्लैट बनने लगे हैं, फ्लैटों में जगह कम होती है, आंगन होते नहीं है, इसलिए चिड़िया भी कम आती हैं और तितली भी कम आती है। कोयल पर पानी मैम डालकर उसे क्यों भगा दिया गया बताओ? मैम, तितलियों पे पानी डाल के बड़े कोयल लोगों ने इसलिए इसलिए भगा कोयल दिया। कोयल पर मैम, कोयल पर पानी डाल डालकर लोगों ने उन्हें खराब इसलिए कर दिया क्योंकि क्योंकि वह लोगों क्योंकि वह कुहू कुहू कर दिया थी सुबह सुबह, और लोगों की नींद खराब हो जाती थी। होने से पहले ही वो कुहू कुहू की आवाज करती थी, इसलिए उसकी आवाज से परेशान नींद खराब नींद, होती है। यस मैम, लोगों की नींद खराब होती थी, इसलिए यस उन्होंने पानी डाल डाल कर उसको मार दिया। आगे मैम, लिखित हो गया ये, यस आशय स्पष्ट कीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग है, घर में 2 बाय 2 फुट का समुन्द्र बनाकर हम 700 समुन्द्रों की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं, इसका क्या मतलब है? मैम, क्योंकि क्योंकि लोग अपने घर में पौधे रख के जंगल बनाते हैं ताकि उन्हें फील आए कि हम जंगल में बैठे हैं, और वह एक्वेरियम रख के और रंग बिरंगी मछलियां ला के उनको देखते रहते हैं,
ताकि उन्हें अच्छा लगे कि वो समुद्र के सहारा ले रहे हैं। सहारे हैं, ठीक है, यस मैम। हम उन परिस्थितियों का साथ करते जा रहे हैं जिसमें ऐसे नन्हे जीव पल सके, इसका क्या मतलब हुआ? मैम ऐसी ऐसी परिस्थितियां समाप्त होने जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने घर छोटे बनाते जा रहे हैं और उसमें नन्हे जीव पल नहीं पा रहे हैं, तो सब समाप्त होता जा रहा है, पुराना समय के अनुसार सब चीजें खराब हो गई। आगे बोलो, रहस्य को समझना, इसी प्रक्रिया ने हमें पशु से मनुष्य तक पहुंचाया है। नहीं, मनुष्य जो था पहले पशु रूप में था और विकास होते होते वो मनुष्य के रूप में पहुंच गया है। आगे बोलिए, नेक्स्ट सही विकल्प चुनकर, विकल्प का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। दो बाई 2 फुट के समुद्र का क्या अभी मां अभी प्राय है? छोटा हाँ, अभिप्राय मतलब क्या तालाब, पानी का टैंक, छोटा नाला। मैम एक्वेरियम? मैम छोटा तालाब, एक्वेरियम, नहीं, एक्वेरियम है सबसे बड़ा। सॉरी मैम, एक्वेरियम, हाँ, आगे बोलो। एक्वेरियम। खा बोलिए, जापान आज मैम जापान आज, एक सेकेंड, किस का एक सेकेंड, जापान का आज किसका किसका दुष्परिणाम भुगत रहा है, तो, बताओ किसका बैड इफेक्ट है उसके ऊपर, बता सकते हैं? मैम परमाणु बम का, परमाणु मैम ये वाला, मैम बम लिखा होगा, ये वाला, या एक सेकेंड, सेकेंड नंबर वाला? सेकेंड नंबर वाला और मैम इसका ये परमाणु, वाला है। ठीक है। हाँ ठीक है, परमाणु बम से जो रेडियोधर्मिता मतलब रेडियो एक्टिविटी जो हुई ना, उसका ही परिणाम है कि आज जापान में सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वहां के लोग मेहनती थे, परिश्रमी थे, उन्होंने जापान को, हिरोशिमा को फिर से नया रूप दे दिया, बगीचा बना दिए, पेड़ पौधे लगा दिए, और जो डेवलपमेंट था वो सब उन्होंने डेवलप कर दिया वहां के लोगों ने मेहनत से। एक आगे बोलिए, नेक्स्ट बोलिए, इस आगे भेजो फिर। आगे पेज देखो है क्या? मैम यही है बस, ग्राम है बस अच्छा, अभी तो ये भी तो है, ये बहुत सारा है, बस, बहुत है, पर करो। इसको ग्राम उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखो, बोलो। मैम कद्दू प्लस चेन मैम, संकु प्लस चिन्ह। नहीं, आप देखो भाषा ज्ञान जो लिखा है इसको पढ़ो पहले, ये जरूर आता है। मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए, जैसे सांस्कृतिक शब्द है, इससे बनाइए संस्कृति प्लस इक। इक क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो बाद में लगता है अक्षर के, जैसे तिक, तिक नहीं है वो, इक है। अच्छा, ता पे छोटी की मात्रा है तो इसलिए आप क्या कर लिखेंगे? इक। लिख संकुचित, लिख संकुचित कैसे लिखोगे? स्क्रीन पे लिख दो। संकोच लिखो, संकोच लिखो। आपके पास बुक है क्या? ये नोटबुक है, कुछ भी उस पर लिख लीजिएगा। हाँ, बुक में कर लीजिएगा। संकोच नोटबुक प्लस इत। है संकु प्लस चित्त, नहीं हाँ, संकोच बोला है। ओके उसका मूल शब्द क्या है? संकोच। तो और इंग्लिश में इस बिंदु वर्ड को चित्त, कहते हैं यस मैम। हेजिटेशन, ठीक कहाँ है? करता है ग्रिप, गलत ये तो मैं इसको तापेओ की मात्रा लगाइएगा, ना लिखना नहीं आ रहा। यस मैम संकोच प्लस चित्त, देखो सापे अंक की बिंदी लगाइए, यस यस मैम और लगा दीजिए। कैपेओ की मात्रा च, ओके मैम कोच प्लस प्लस इत, छोटी ई होती लिखो और त लिखो। अच्छा, ई और तो वहां चला गया ना, तो मैम फिर
हाँ बोलिए, जैसे संस्कार सांस्कृतिक लिखा है ना, ऐसे ही संकोच लिख करके प्लस इत लगाओ, बिल्कुल ओके आसान है, कोई डिफिकल्ट मान मान ले हो भी है, मान भी है, इसका लिखो मान मानव, ले मान आराम से ले लिखो, वो कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे और तुम्हें ही तो करना है काम, नहीं मान मान्य प्लस ईयर नहीं मानव लिखो पहले, मानव, मान प्लस ईयर प्लस मानव मान प्लस ई प्लस ईयर, यस मैम ई बड़ी ई बड़ी सबसे लगेगी, अच्छा मैम और या तो क्या या, ठीक है, चिंतक, हाँ अभी लिखो चिंता के लिए लिखोगे, और ये बहुत जरूरी है तो मैं इसको पढ़ने दो होने वाली है जाओ चुप यस मैम चिंतक का लिखोगे, चिंता यस मूल मैम शब्द क्या है, चिंता मूल मतलब ओरिजिनल वर्ड क्या है इसका, चिंता, चिंतक अच्छा माने चिंता करने वाला, सोचने मैम वाला, का चिंता प्लस को क्या प्लस, शाबाश, होगा चिंता प्लस मैम को का नीचे तो आगे चिंता कर लीजिए तो कुछ छुट्टी पत्र को मैं यस मैम नेक्स्ट है बुढ़ापा, यस मैम बुढ़ापा मैम हाँ तो बूढ़ा मैम बूढ़ा बूढ़ा पापा प्लस आपा, क्योंकि ढ पे आ की मात्रा है, यस मैम ढापा, उसमें से देख के लिखना, अच्छा लिखने की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, यस मैम कथित बच्चे लिखने में मिस्टेक करते हैं, कथित, कथित यस कथो, मैम की कथ, मैम कथित मैम कथो प्लस कथो, कथ, इत ओके इत, था के नीचे आप हलंत लगाएंगे, हलंत जानते हैं, मैम यस मैम लगा वो लगा दो दीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, यस मैम एक तो अपना यस कैमरा ऑन कर लो, उससे मैं मैम बच्चे का ये देखती हूँ क्या लिख पा रहा है, उसका एक्सप्रेशन देखना होता था, है यस मैम ना, परिस्थिति, ये उपसर्ग है, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में आता है, उपसर्ग मैम वर्ड के पहले होता है, परिस्थिति, अब देखो परी का मैम चित्त प्लस परी परी पहले लिखो, रा पे छोटी की मात्रा प्लस यस मैम परी ओके स्थिति, मैम परी माने चारों ओर, यस मैम परिस्थिति माने कंडीशन, चारों ओर की क्या कंडीशन है, क्या दशा है, क्या स्थिति है, उसको कहते हैं किसी परिस्थिति, ढूंढो आप बैठी हैं मैडम, क्या मम्मी भी नो बैठी है आपकी, मैम वो तो बस ऐसे ही बता रही थी अभी जा रही थी अच्छा, कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप करिए, निवास, नी ना पे यस छोटी मात्रा, नी मैम नी प्लस वास ओके वास, ना पे छोटी की मात्रा लगाओगे, अच्छा ये उपसर्ग होते हैं, यस एक मैम होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स, आपको पता है इंग्लिश में, मैम सवेद प्लस ना संवेदना, सफेद मैम सं, सफेद सफेद प्लस नहीं नहीं ना नहीं 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 ऐसा नहीं आएगा, सम, यस मैम सा पे अंकी बिंदी, सम खाली, यस मैम सम सम प्लस ओके मैम सम प्लस वेद, प्लस वेदना, वेदना, वेदना हाँ वेदना माने दुख, और सम माने साथ, दुख के यस साथ, मैम यस मैम नेक्स्ट बोलो निष्प्राण, निष लिखो, श पे हलंत लगेगा, यस ओके या मैम लेके हलंत लगा दो, प्राण अलग लिखो, अच्छा मैम एक सेकेंड कोई बात नहीं, यस मैम आराम से यस मैम लिखो, आप घबराओ नहीं बिल्कुल भी, यस मैम निशा के नीचे हलंत लगेगा, ओके मैम यस मैम हाँ ओके मैम यस मैम डन अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पढ़िए, मैम इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए हाँ क्या है, अखबार में ऐसी छोटी सी चिड़िया के बारे में एक खबर छपी इस वाक्य में मोटे
छपे शब्द एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बता बता रहे हैं। रहे हैं। हाँ तो ये जो क्या, ये शब्द जो है संज्ञा है, कौन सा, चिड़िया, यस और दूसरा संज्ञा क्या है इसमें, खबर। मैम, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संबोध, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं इसको। ओके मैम, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से होता है। अब जैसे इस सेंटेंस में फर्स्ट संज्ञा क्या है, चिड़िया, इसका यस संबंध मैम, किससे बताया, खबर से, खबर ही यस मैम, संज्ञा है, तो क्या बन गया ये संबंधवाचक अव्यय, है यस मैम, ना। अब दूसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। हम बेजान इमारतों की तरह संग दिल होते जा रहे हैं, इसमें बताइए कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम, बताओ। नाम संज्ञा सबसे है, पहले संज्ञा देखो, हम अनजान इमारत, या सर्वनाम के बाद आकार संज्ञा या संज्ञा उसका नहीं है, किसी संबंध किसे अन्य संज्ञा का सर्वनाम है। सर्वनाम से बताने वाले शब्द संबोधक अव्यय कहते हैं। हाँ तो इसमें कौन है, इसमें संज्ञा, संज्ञा नहीं है, इसमें सर्वनाम है। सबसे पहले संज्ञा मैम संज्ञा है नहीं है, बेजान, मैं बेजान एक नाम नहीं होता है। नहीं मैम नहीं बेजान भी नहीं है, हम जो है सरनाम। इमारतों, मैम इमारतों है संज्ञा, इमारतों, हाँ तो हम इसमें क्या है, सरनाम है, ठीक है। यस अब मैम, इमारतों, यस बेजान तो एडजेक्टिव है, विशेषण है। मैम, इमारत जो है संज्ञा है, तो ये यस इन मैम, दोनों में संबंध है, हम इमारतों, हम और सर मैम बेजना, बेजना नहीं है, बेजान, बेजान बेजान ये है ना, ये विशेषण है, ये इसको मत मैम देखो, सर्वनाम है ना, नहीं सर्वनाम नहीं है, विशेषण होता है, ये एडजेक्टिव होता है। अच्छा इससे इसका कोई संबंध नहीं है, हम इमारतों आएगा। अच्छा हम संज्ञा है और इमारत, वो इमारत जो है वो संज्ञा है और हम सरनाम है, इन दोनों का संबंध है। जब यस संज्ञा का संबंध सरनाम से ये हो जाए, या सरनाम का संज्ञा से हो जाए, या दोनों संज्ञा हो दोनों सरनाम, उनका संबंध होने पर संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो आप हमको अंडरलाइन करो और इमारतों को करो। स्कूल में करवा रखा है ये वाला, नो कोई मैम, बात मैम नहीं, करवा आप कर लीजिए, रखा पर मैंने नहीं किया, शायद मैं एब्सेंट था उस दिन। कोई बात नहीं, एब्सेंट थे आप, कर लो आप। अच्छा हम जो है सरनाम होता है, हम इंग्लिश में क्या करते हैं, हमको क्या बोलोगे आप, हम इंग्लिश में क्या कहोगे, वी यू थोड़ा कहते हैं, वी कहते हैं, मैम, वी वी आई सेड, वी डब्ल्यू वी नहीं होता है, वी होता ई है, मैम, डब्ल्यू ई नहीं, वी होता है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। मैम, आई सेड ओनली वी, अच्छा वी बोला आपने, ठीक है। यस मैम, मैंने सेड वी, हाँ और इमारत क्या है, नाउन। मैं भी मारता हूँ, यस मैम, हाँ इमारत नाउन है, मैं इन दोनों का बिल्डिंग, संबंध है। बिल्डिंग, अब नेक्स्ट बोलो, बच्चों का तितली के पीछे दौड़ना। दो खेल लगता हाँ अब इसमें है मैम, बच्चों है मैम, बच्चों नाउन है, उन संज्ञा है नाउन है, संज्ञा है, और तितली क्या है, मैम, तितली सर्वनाम सरनाम, नहीं, सरनाम नहीं, संज्ञा ही होती है। अच्छा है। अरे देख ले भाई, बाहर मैं इसको पढ़वा रही हूँ, बाहर ही होगा, तितली भी संज्ञा होता है। अच्छा यस नोट करता हूँ, ओके मैम। तो मैम फिर हमें हमें अपने करनी, सर्वनाम, मैम हमें सर्वनाम है, वो सरनाम जरूर है, लेकिन बस इन दोनों के कर दो, बच्चों और तितली, मैम का, मैम का, कहा नहीं होता बेटा कुछ भी, तो मैम पीछे है फिर,
नहीं, बच्चों और तितली आएगा बस, इन दोनों का संबंध है, बच्चे और तितली का संबंध है। ओके मैम. धूप फ्लैट की खिड़की से अंदर आती है. धूप क्या है? संज्ञा। यस सर. फ्लैट की खिड़की से अंदर आती है। फ्लैट की, फ्लैट भी संज्ञा है और यस खिड़की भी संज्ञा है, तो सर. संज्ञा का संज्ञा से संबंध हो गया इसमें। धूप धूप और फ्लैट। फ्लैट की खिड़की से अंदर आती है. फ्लैट की खिड़की से फ्लैट लॉक कर दे. पर ऊपर फ्लैट कर ना दो। मार्कर. यस मैम. धूप. ऊपर फ्लैट. खिड़की नहीं होगा यस मैम. मैम. मैम नहीं खिड़की नहीं नहीं होगा, तीनों नहीं लगाओ, बस आप दो शब्दों को करना है। फ्लैट भी संज्ञा है आपका। नेक्स्ट देखो, घर से बाहर निकलने के लिए. घर से बाहर निकलने के लिए उसे दीवारों दीवारों हाँ, से धूप से टक्कर पड़ती है. हाँ, मारनी पड़ती है। मतलब दीवारों, घर। यस मैम, दीवारों घर। यस. मैम मैम, युद्ध में, युद्ध में मनुष्य के भीतर की करोड़ करुणा. करोड़ करुणा. करुणा मतलब दया भाव. यस मैम। दया का भाव जानते हो? हाँ जैसे कहा जाता है ना कि वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणापूर्ण है, मतलब उसका मन यस कैसा है, सॉफ्ट है बहुत. यस मैम। वेरी काइंड. तो मैम फिर युद्ध. युद्ध भी क्या हो गया, और मनुष्य. युद्ध ओके और मनुष्य दोनों मैम, ही संज्ञा है. अच्छा ओके ओके चलिए, अभी मैं आ रही थी, वॉशरूम जाना मेरे कई बार. मैम, आती हूँ 1 सेकंड में, आती हूँ. तब तक देखो देखो आप, बस 1 मिनट में आ जाती हूँ. यस, आई एम बैक नाउ. यस सर। अब नेक्स्ट देखो,
गए वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक? जानते हो क्रिया क्या होती है? आप जानते हैं व्हाट इज क्रिया? वर्ब क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया की डेफिनेशन थी आपको? मैम, वर्ब को कहते हैं क्रिया। वर्ब, वो तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन डेफिनेशन क्या है उसकी? परिभाषा बताइए क्रिया। मैम हाँ, जिस क्रिया, जिस शब्द से, मैम जो क्रिया होती है हाँ उसे इंग्लिश, मैम एक सेकेंड मैम, मैं बता देती हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ। डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ड्स, यस मैम, यानी जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने का पता चलता है वो क्रिया यस मैम, कहलाती है। और क्रिया के दो भेद हैं, एक अकर्मक होती है, एक सकर्मक होती सकर्मक। है ना? इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन मैम हाँ, अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं लगता। कर्म किसको कहते हैं? एक होता कर्ता, एक होता कर्म। कर्ता माने काम को करने वाला, और जो उसने काम किया उसको कहते हैं हम कर्म। कर्म माने यस मैम, काम, और सकर्मक माने स माने साथ, कर्म जिसमें लगा होता है। यस मैम। अब इसमें देखो, चलो पढ़ो। मैम, शहर में वारिया की संख्या घट रही है, शहर में किसकी संख्या बढ़ रही है? मैम ये अकर्मक है। मैम यस, अब घट रही है क्या है? वर्ब हो गया ये। मुझे एक पुरानी घटना याद आई, मुझे क्या याद? मैम ये सकर्मक है। यस, क्या से आंसर निकलेगा? जब क्या से आंसर निकलेगा ना, क्या काम किया मतलब उसमें, तो वो सकर्मक हो जाएगा। उसी यस जहर मैम, ने नन्ही गौरी, उसी अच्छा जहर में नन्ही नहीं गौरिया को मारा, मार दिया, मार दिया। किसने किसने किस मारा? शहर? नो मैम, ये भी सकर्मक है। हाँ, मैं हिरोशिमा। हिरोशिमा भी गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ? नो हाँ मैम, ये भी सकर्मक है। हाँ चलिए, अब और क्या है इसमें? मैं कहा गया हूँ? अपने को दो दो क्वेश्चन मिल गए कोई। अरे यार, सारी सकर्मक नहीं, एक अकर्मक। एक सेकेंड रुको, मेरे को सारे बता दो एक बार मुझे। अरे मेरे को आते, सुनो सुनो, जिसमें क्या ओहो ओके किसे आंसर निकले वो सकर्मक होता है। मैम। जैसे गौरैया की संख्या घट रही है, संख्या घट रही है मतलब नंबर कम हो रहे हैं। क्या चीज कम हो रही है? ओके संख्या। मैम, आगे करिए। मैम आंसर यही है ना? एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक हाँ सेकेंड। बताओ बताओ, जो सही बता रहे हैं। गलत मत कर, गलत करना नहीं, मैं कोई गलत नहीं बता रहा मैम। इसका है, मैम इसका है अकर्मक। हाँ एक सेकेंड, बस लिख रहा हूँ अपने बुक में मैम। आ लिख दो। मैम अ, हाँ मैम ये भी स है। ओहो उसी जहने नन्ही गौरैया को मार दिया। किसको मार दिया? मैम, ये अ स स हाँ ठीक है, ओके मैम, 3 सकर्मक है और 1 अकर्मक कर्म करो। है। चलिए हाँ बस, आगे बोलिए, आगे क्या है? यस ये वाला तो मैम। आएगा, नीचे वाला देखो, नंबर 5 देखो, अरे 1 सेकेंड, ये क्या हो गया? मैम स्क्रॉल कर दो, नंबर 5 देखो, सेकेंड मैम, ये क्या हो गया? क्या हो गया? मैम ये क्या हो गया? क्या हो गया बोलो। मैम ये 1 सेकेंड,
स्कूल में रिवीजन हो गया पर आप नहीं गए उस दिन शायद, है ना, कह रहे हो। यस मैम। कोई बात नहीं है, लेकिन फ्रेंड के साथ में बैठ करके कर लिया करो आपस में, अगर कोई फ्रेंड अच्छा यस हो आपका तो कर सकते हैं। आगे यस मैम। नंबर 5 क्या है, नन्ही गौरी अगर ना दिखना मात्र संयोग हो सकता है, मात्र तो भी ही केवल भर ना तक आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी पद पर बल देने के लिए किया जाता है। ऐसे अव्यय शब्द जो पद वाक्य, का मतलब क्या होता है? पद माने शब्द, ओके वर्ड पर विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, निपात कहलाते हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? निपात। जैसे मात्र तो भी ही केवल भर ना, मैम, अखबार में खबर पढ़कर मैम हाँ, पढ़कर ही हमें याद आता है। ही ही पढ़कर ही हमें क्यों आता है, ठीक है, मैम, ही लगाओगे पहले तुम वाले में, क्या लगाया आपने पहले यहाँ पे वाले मैम, को, क्या तुम लगाया? जापान की पेड़ पौधे खाली जगह भी झूलते थे, भी मैम भी तो लगा ही हुआ है उसमें, ठीक है। मैम सेकंड का है ही, हाँ थर्ड का भी हाँ मैम, फोर्थ का उसके उसके उसने ना मैम ना उसके ना फोन ही नहीं किया। नो मैम, उसने ना ही उस, उसने तो फोन ही नहीं किया मैम, हाँ तो तो लगेगा, और मैम तो लास्ट लगेगा। का ना है। यस तुम हमारे साथ नदी तट पर चलोगे ना, ठीक है, बिल्कुल। इन समय फुल मार्क्स मिलते हैं, आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। आगे यस देखो, मैम। शब्दकोश क्रम से लिखिए, जो आपने डिक्शनरी देखी होगी वो अक्षर वाइज चलती है। सबसे पहले क्या लिखोगे इतने सारे शब्दों में? मैम आ वाला है कोई? आ वाला कोई है ही नहीं इसमें, नहीं। वैसे ही आएगा नहीं जहां तक है, यस मैम, ये नहीं आता वैसे। यस लेकिन यह है कि आपको समझना चाहिए कौन सा मैम, शब्द पहले आएगा, वो भी अक्षर के अल्फाबेट के हिसाब। हो गया खत्म। बस तो अब ये करना, जो आपका बचा हुआ है ना लास्ट पैराग्राफ, इसकी यस मैम, राइटिंग करिएगा आप। अभी बैठ कर मेरे सामने करो, राइटिंग क्या करना करो नोटबुक में, फिर है? उसे सर के पास भेजना, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस बच्चों को कम होती है। लिखिए ओके मैम। लास्ट पैराग्राफ नो है लेसन का, उसको लिखिए। मैम, क्या लिखना है? बस बुक में से ओके देख कर मैम, लिखो, ओके मैम, उससे लिखने की स्पेलिंग वगैरह ठीक होती है। अच्छा ओके मैम। मैम ये वाला, हाँ, ये वाला। ऐसे ही हालत में डेट ओके मैम, डाल दो और लेसन का नंबर डाल दो। अच्छा डेट लिखो पहले, मैं ये क्वेश्चन आंसर याद करूं या फिर अपने आप भी बता के लिख दूं? मैम नहीं आप, तुम्हारे टीचर क्या कहती हैं? कुछ टीचर तो ये कहते हैं कि मैं लिखवाती हूँ अगर, वो उनकी मर्जी है। मैम अच्छा कुछ टीचर तो ये समझते हैं कि मैंने जो लिखवाया क्लास में सेम वैसा ही बच्चा लिखे, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे जो होते हैं वो अपने आप बना के लिखते हैं आंसर, तो टीचर को नंबर तो देने ही चाहिए अगर वो आंसर राइट है। अगर आपके स्कूल में किस तरह से ओके सिस्टम है, लिखवा रही है टीचर ओके क्या, ये अपने आप करना है, बताइए। क्वेश्चन ओके आंसर आपको अपने आप देती है लिखने के लिए या क्लास में लिखवाती है बोर्ड पर? बोर्ड पे लिखवाती है। ओके अच्छा तब तो आपको वही रटने होंगे, रट मैम, ओके मैम, समझ लो, लेकिन उन्हीं की लैंग्वेज में लिखो तो फुल फुल नंबर दे देंगी वो। यार मैम कभी कभी बुक में भी मार्क करवा दे, जो कहते कि खुद लिखो। हाँ बिल्कुल ठीक है, कभी बुक में मार्क करवा देती हैं, तो कैसे भी लिख लीजिए, ओके आप आंसर राइट होना चाहिए आपका। मैम, कुछ टीचर तो ये सोचती है ना कि बच्चा अपना नहीं लिख पाएगा तो मैं लिखवा देती हूँ या टिक करवा देती हूँ। मैं खुद हाँ फिर लॉ नहीं कर लूंगा। तो आपको आ गए हैं आंसर, तो उनको कर लीजिएगा। अच्छा इतना जरूर लिखे भी नहीं आपने कॉपी में।
यस मैम कर सकते हैं। आपने लिखे मैंने क्वेश्चन आंसर, यस मैम हाँ लिखे हैं। ओके तो उनको मत लिखो, आप पैराग्राफ लिख कर दिखाइए मेरे को। मैम पैराग्राफ लिखो। बोल बोल के लिखो। अच्छा चिड़िया हाँ, सुबह लिख रहे थे ऐसे लिखिएगा। हमारे आंगन आंगन में क्यों चहके क्यों पैर कोई मचो। चिड़िया। तितली अच्छा हमारे जल्दी में रंग भरे। भरे। इसको क्या कहते हैं जो चिन्ह बना हुआ है? क्वेश्चन मार्क। यस सर मैं भी योजक चिन्ह यस, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह या इंट्रोगेशन मार्क। अच्छा मरे आखिर हम कब एक कब समझेंगे कि कोयल कुहू कुहू, कोयल की आवाज को बोलते हैं कुहू कुहू। आप की है पे बड़े हु की मात्रा। कहू कहू सिर्फ
मीठी आवाज, हम्म, नहीं होती। के खिलने जैसे ये पूरी लाइन लिख ली थी, तेरे के रंग बिरंगे पंख से सुंदर नहीं होते। नहीं होते, नहीं होती। एक सेकेंड, मम्मी ये फूल के खिलने जैसे आवाज, रहस्यों जैसा है, एक सेकेंड एक सेकेंड। मम्मी कौन से, रियान स्कूल में पढ़ते हैं आप? यस सर, रियान इंटरनेशनल में पढ़ते हैं? यस सर। गुड। कहाँ पर है डेली? नहीं मैम, दिल्ली रोहिणी। रोटी, रोहिणी। अच्छा ठीक है। रहते कहाँ पर? रहते यस सर। कहाँ है दिल्ली में? मैं सेक्टर 13 में रहता हूँ, रोहिणी। रोहिणी में। सेक्टर 13 रोहिणी, ठीक है, स्कूल पास ही है ना आपका? यस मैम। 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कोई बात नहीं। होती तितली, रंग बिरंगे, पंख सिर्फ सुंदर नहीं होते, नहीं चलिए, अब टाइम ओवर हो रहा है। आप इसको मम्मी से कह के सर के व्हाट्सएप पे भेज देंगे पिक को। अच्छा, 3 लाइंस ओके मैम, बहुत है, मुझे बस देखना ही है आपका। रो थोड़ा ओके थोड़ा मैम, लिखेंगे। ठीक है, ओके मैम, बाय चलिए, बाय बाय। मैम। सारा करना सारा लिख के भेज दीजिएगा और है, यस सर, स्टॉप शेयरिंग कर देना। ओके मैम।
पास आ जाओ, बैठ जाओ मुंशी, आओ जरा जल्दी आओ, जल्दी आओ। एक सेकंड।